के ग्राम पंचायत कसियारी में निरीक्षण करने पहुंचे जनपद सीईओ सचिव महोदय मिले अनुपस्थित, जहां पर सीईओ साहब ने ठहराया दोषी और रोजगार सहायक और सरपंच को समझाइश भी दी। रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कासियारी में शिकायतकर्ता सनत कुमार पांडे द्वारा जिन जिन बिंदुओं पर शिकायत की गई थी उसे वास्ते जनपद के पंचायत सीईओ श्री अरुण भारद्वाज ने ग्राम पंचायत कसियारी पहुंचकर दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्षतापूर्ण निरीक्षण किया, किंतु नस्ती उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाया कि कार्य किस सरपंच के कार्यकाल में है। और सीईओ साहब ने बताया कि मेरे द्वारा सचिव सूर्य नारायण तिवारी को एक पत्र दिया गया था, न तो वो किसी को सूचित किए और न ही मेरे सामने आज वो उपस्थित हुए। कुछ ग्रामवासियों द्वारा आवास संबंधी समस्याएं भी रखी गई हैं, तो उन्होंने रोजगार सहायक अंकित तिवारी को शीघ्र ही कार्य पूरा करने के आदेश दिए। सीईओ साहब द्वारा की गई निष्पक्ष जाँच से प्रसन्न ग्रामवासियों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। देखिए आज हमारे साथ जवा ब्लॉक के सीईओ श्री अरुण भारद्वाज जी हैं। ग्राम पंचायत कसियारी में शिकायतकर्ताओं द्वारा जो भी शिकायतें की गई थी उन बिंदुओं को जांच करने माननीय सीईओ साहब आए हैं और साहब ने जांच भी किया, स्थान स्तर पर गए। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सर आपके द्वारा जिन जिन बिंदुओं की जाँच की गई तो कितना सही कितना गलत है थोड़ी सी जानकारी दें सर, थोड़ा तेज बोलिएगा सर। देखिए आज ग्राम पंचायत कसियारा में कसियारी में कलेक्टर महोदय द्वारा जो शिकायत मुझे दिया गया था जांच का प्रतिवेदन देने के लिए जी। तो हमने एक एक जांच एक एक बिंदु की अपन जांच किए और मौके में जाकर स्थल पंचनामा भी तैयार किए जी जी। अच्छा ये अभी शिकायत में यह कह पाना मुश्किल है कि ये रोडें जो बनी है पीसीसी सड़क जी जी। ये कब का बना है और इसका माने कितने साल हो गया ये किसी प्रकार का फाइल मुझे उपलब्ध नहीं हुआ जी जी। और सचिव को मैंने पत्र लिखकर भी सूचित किया था कि आज हम लोग टीम के साथ आ रहे हैं जांच में, लेकिन सचिव के द्वारा जानबूझकर लापरवाही किया गया है। मतलब सर सचिव ये सूर्य नारायण तिवारी जी हैं? सूर्य नारायण तिवारी, आपने उनको पहले पत्र भेजा था जी जी, हम जांच में आज आ रहे हैं जी जी। और उनके द्वारा जानबूझकर लापरवाही किया गया है जी जी। देखिए जब तक शिकायत से संबंधित नस्ती मुझे नहीं मिलेगा तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि रोड कब बना है क्या है, और कोई सही जानकारी देने को तैयार नहीं है जी जी जी। क्योंकि मुझे लगता है ये रोड काफी पुराने हैं जी जी, और जिसका आज की स्थिति में एक दो रोड सही गुणवत्ता में पाया गया है जी जी जी। तो जब तक नहीं है कि कितना सही है कितना गलत है जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरपंच महोदय जी, अभी आपके ग्राम पंचायत में आप यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं, शिकायतकर्ता द्वारा जिन बिंदुओं की शिकायत की गई तो क्या वो सही कह रहे हैं कि गलत, थोड़ा सा जानकारी देने कृपा करें। आप हर आदमियों से पूछ लीजिए जी जी, पूरा ये गलत बोलता है जी जी। कई बार हमसे ये पैसा मांगा जी जी, तो हम पैसा देने से इनकार करते। एक बार हम इसको 10,000 दिए थे जी जी, इसके बाद ये जबरदस्ती बता रहा है हम अपने बेटे को ठीक नहीं। ये कौन है जो आपको गलत बता रहे हैं? ये सनत कुमार पांडे जी जी जी। चलिए तो मतलब आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? झूठ, ये जबरदस्ती बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं है नहीं। चलिए चलिए, देखिए अभी हमारे सीईओ साहब ने बताया, सरपंच महोदय जी ने अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है जो भी उचित होगा जैसे भी होगा हमारे सीईओ साहब अगर गलत होगा तो कार्रवाई करेंगे, नहीं गलत होगा तो इनको सूचित करेंगे जैसे भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज मुझे समय दिया। केएनएन न्यूज चैनल सुशील पाठक। केएनएन न्यूज के लिए कशियारी से सुशील पाठक की रिपोर्ट।